दोस्तों बिग बॉस ओटीटी 2 का आखिरी हफ्ता शुरू हो गया है और इस वीकेंड का वार में घर वालों को सलमान खान ने ट्रॉफी के दर्शन भी करवा दिए, जिसके बाद अब हर किसी की नजरें ट्रॉफी पर बनी हुई हैं। पर इन सबके बीच बिग बॉस ओटीटी 2 के घर में ही एलविश यादव और अभिषेक मल्हान की दोस्ती कमजोर होती हुई नजर आई। देखिए वीकेंड का वार में अभिषेक मल्हान उर्फ फुकरा इंसान की इनसिक्योरिटी दिखी और इतना ही नहीं उन्होंने एलविश यादव के खिलाफ कई बातें भी की, जिसके बाद एलविश भी भावुक होते दिखे और अभिषेक मल्हान ने एलविश यादव पर नेगेटिव पीआर करवाने का आरोप भी लगा दिया, जिसके बाद फुकरा इंसान को खूब ट्रोल किया जा रहा है। दरअसल बिग बॉस ओटीटी 2 के इस वीकेंड का वार में सलमान खान ने ये मुद्दा उठाया था कि अभिषेक को कभी भी वाइल्ड कार्ड कंटेस्टेंट शो का विनर नहीं लगता और ये बात अभिषेक ने एलविश यादव के लिए फैमिली वीक के दौरान कही थी और सलमान के जाने के बाद इसी मुद्दे पर अभिषेक और एलविश के बीच बातचीत हुई और तभी अभिषेक ने बताया कि मुझे फैमिली वीक में ही पता चला कि एलविश की टीम की तरफ से मेरी नेगेटिव इमेज बनाई जा रही है और अभिषेक की ये बात एलविश को काफी बुरी लगी और एलविश यादव ने कहा कि अगर मुझे नेगेटिव पीआर करवाना ही होता तो मैं घर में आते ही सीधा तुझसे पंगा ले लेता और मैं बार बार तुझे विनर मानने की बात भी नहीं करता। और एलविश जिया से भी बोलते हुए दिखे कि एलविश को काफी बुरा लगा कि अभिषेक उसे कभी विनर की जगह पर देखता ही नहीं और एलविश यादव को अभिषेक मल्हान की इन बातों से इमोशनल होते हुए देख फैंस भी काफी ज्यादा भड़क गए हैं और फैंस एलविश यादव का भर भर कर अब सपोर्ट भी कर रहे हैं। दोस्तों अब देखना होगा कि 14 अगस्त को यानी कि अगले वीकेंड का वार पर कौन जीत जाता है बिग बॉस ओटीटी 2 की ट्रॉफी और कौन जाएगा खाली हाथ। बाकी दोस्तों आपको क्या लगता है कि बिग बॉस ओटीटी 2 का सीजन कौन जीतने वाला है, हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताइएगा। इसके अलावा अगर आपको आज की वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कीजिएगा और चैनल पर नए हैं तो चैनल को कीजिएगा सब्सक्राइब। इसी के साथ मैं आपसे लेता हूँ अलविदा, मिलता हूँ बहुत जल्द अगली वीडियो में, तब तक जय हिंद।